उनकी जो क्षत्रियता थी, उनका जो बल था, जो उनका प्रकाश था, उससे उन्होंने अपने आप को पूरे विश्व में एक गुर्जर सम्राट के रूप में अपने आप को मनवाने का काम किया। उसी तरह आज हमारी जाति के लोगों को आवश्यकता है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति अग्रणी भूमिका में लेकर के आए, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी जात का, किसी भी समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। साथियों, जिस तरीके से सम्राट मीर बोस जी का आज बोर्ड लगाया है, उसी तरीके से हम लोगों को, जितने भी युवा साथी खड़े हैं, हम लोगों को सम्राट मीर बोस जी को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को विजय सिंह पथिक जी को पढ़ना चाहिए, गुर्जर धन सिंह कोतवाल जी को पढ़ना चाहिए, हमें धौड़ा गुजरी को पढ़ना चाहिए, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन पूर्वजों को हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें जानकारी हो कि हमारे लोगों ने भारत देश की आज़ादी के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए किस किस तरीके से बलिदान दिए और इस देश को जो है बचाने का काम किया। तो साथियों, इस अनावरण के अवसर पे मैं मंडैया का, जो मेरा अपना गांव है, मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम अपने गाँव में एक छोटा गाँव है, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाएं, जिसमें हमारे गांव के बच्चे बैठ कर के पढ़ सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहां से औरंगाबाद बच्चे जाते हैं पढ़ने, वो सुविधा उनको यही मिलेगी, कुछ अच्छे बेहतर परिणाम जो है काफ़ी होंगे। गांव में लाइब्रेरी भी बनाएं, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च नहीं है, छोटी छोटी चीज़, हम सब लोग सहयोग करेंगे, आपस में चैरिटी करेंगे, तो एक लाइब्रेरी का निर्माण भी करें, चाहे उसका हम विजय सिंह पथिक रखें, धन सिंह गुर्जर रखें, या गुर्जर सम्राट प्रतिहार मीर भोज रखें, या जो भी नाम हम रखें, ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण हम लोगों को करना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां और आने वाली भविष्य हमारा सुनहरा हो। और ये अभी सम्राट मीर भोज जी से प्रेरणा लेनी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरे विश्व में एक अपनी अलग जगाने का और एक अलग पहचान दी, उसी तरीके से गुर्जर समाज के लोगों को, जो बड़े हैं, अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। और शिक्षा ही मात्र एक ऐसा संसाधन है, जिससे आप भी, आपकी जात भी, आपका गांव भी, आपका जनपद भी, और आपका देश भी नाम रोशन होगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पे। इसलिए हम लोगों को शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।